इनके घरों में उनके मंदिर बने होंगे, इनके मंदिर मिलेंगे। ये अपने युवाओं को आगे बढ़ा नहीं सकते, इन्हें ये नहीं कह सकते कि हाँ बेटा तुमने यहाँ गलती कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से इस बात को मत कहना, ये बात ठीक है, ये सही है, ये गलत है। रवि जी आप दत्तू जी को सुने बगैर नहीं जाएंगे, आपको पहले बुलवाया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दत्तू जी को, हाँ मैं भी लाऊंगी 26 को, हम आएंगे, कोई बात नहीं है। आधा घंटा उसकी मैं बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच में सम्मानित हमारे आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि बैठे हैं दद्दू प्रसाद जी, और जो बहुजन समाज पार्टी में मंत्री रह चुके हैं, इनके शब्द हम सुनना चाहेंगे, इनकी बातें सुनना चाहेंगे, ये क्या कहना चाहते हैं, हम कैसे अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएं, कैसे इसे मरने से बचाएं, इसको इसके मुंह पे पानी छिड़के, मुंह पे पानी डाले से जीवित हो के, हम दद्दू प्रसाद जी को बुलाएंगे सभी लोग। अच्छा जी 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 आप जी, मैं विजय सिंह प्रेमी जी को बुलाऊंगी पहले, जो दद्दू प्रसाद जी का स्वागत करेंगे। साथियों, मैं अपना पूरा समय परम आदरणीय सम्मानीय की आंधियों को हद से गुजरने नहीं दिया, ता सौ किया का सौ पनपने नहीं दिया, फानूस बनके जलाने जिन्होंने अपनी हथेलियां, मगर किसी गरीब का मकान उजड़ने नहीं दिया, ऐसी शख्सियत हमारे बीच में एक कारमा को लेकर के आ रही है। ऐसे दत्तू प्रसाद जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। साथियों, मुझे इस बात का गम नहीं कि बदल जाए जमाना, मुझे इस बात का गम नहीं कि बदल जाए जमाना, ये दत्तू प्रसाद आपसे है, कहीं आप न बदल जाना, कहीं आप न बदल जाना। जय भीम जय भारत, कि मेरी बड़ी भी दाढ़ी के तू इजाफे को ना दे, मेरी बड़ी भी दाढ़ी के इजाफे को ना दे, मेरे घर को पढ़ मेरे लिफाफे को ना दे। जय भीम जय भारत, मैं पूरा समय परम आदरणीय अपना क्रांतिकारी साथी भाई पूर्व के मंत्री दद्दू प्रसाद जी को देता हूँ। धन्यवाद।